नेम इज मुस्कान 1 2 बगल माई शू 3 4 शर्ट 2 5 6 पिकअप स्टिक 7 8 लेदर सेट 9 10 अभी पैटर्न। माय नेम इज सारी, मेरे पापा का नाम मोहम्मद आरिफ और मेरे स्कूल का नाम बदला पारसाला। हम जब से यहाँ पे आए हैं बहुत कुछ सीख चुके हैं और पहले हम लोग घूमते थे। बाबा ब्लैक टीप हैप्पी बनी बुल यस सर थ्री बैक टू स्कूल 1 for my master 1 for my dad 1 for my little boy प्लीज अंडरस्टैंड। माय नेम इज मेहर। मेरी मम्मी मुझे छोटे छोटे बहन भाई को पढ़ने नहीं देती है। छोटे छोटे बहन भाई को गोद में लो और घर का सारा काम करो और वो पढ़ने नहीं जाओ। मुझे बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में और मैं यहाँ पर आई हूँ, बहुत कुछ सीख गई। ये मकसद था कि जो मजबूरी में सड़क के किनारे फुटपाथ पे भीख मांगते रहते हैं मंदिरों के किनारे, उनको किस प्रकार से पुनर्वासित करके मुख्य धारा में लाया जा सकता है। तो शुरुआत में हम लोग जब स्टडी कर रहे थे उस दौरान जब हम लोग बच्चों से बात करते थे तो बच्चे अधिकतर बात करते ही वो डर उनके अंदर आ जाता था, उनके लिए हम अजनबी होते थे, वो हम जैसे ही नज़र पड़ती थी वो भाग जाते थे। लेकिन एक लंबे समय तक वयस्क जो भिक्षुक साथी थे उनके साथ काम करने के बाद ये जो बच्चे भीख मांगते थे उनके साथ एक जान पहचान हुई। उसके बाद उनके माता पिता से जब हम लोग मिले तो उनके माता पिता से मिलने के बाद ये निकल के आया कि उनके माता पिता चाहे भीख मांगते हों, चाहे ढोलक बनाने का काम करते हों, चाहे फिलपट्टा बनाने का काम करते हों, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि उनके बच्चे भीख मांगें। मुझे पता है कि गरीबी क्या होती है क्योंकि गरीबी मैंने भी झेली है। और इसके बाद जब मैं इन बच्चों से मिली तो मैंने भी देखा इन बच्चों के अंदर मतलब एक उत्साह था पढ़ने का, तो वो उत्साह को उभारने के लिए मैंने इस NGO में काम करना शुरू कर दिया। और जब मैंने इन बच्चों को देखा तो ये बहुत बहुत ज़्यादा गरीब, बहुत ज़्यादा मतलब कहते नहीं कि एक उत्सुकता होती है पढ़ने की, चाह होती है ये बच्चों में के अंदर मैंने देखा, फिर मैं यहाँ पर पढ़ाने के लिए आने लगी। यहाँ पे भीख मांगने वाले बच्चे भी पढ़ रहे हैं और जो बच्चे कहीं पढ़ने नहीं जाते थे, शिक्षा से वंचित थे, वो बच्चे पढ़ रहे हैं। जो बच्चे इधर उधर ढाबों पे होटलों पे काम करते थे वो बच्चे पढ़ रहे हैं, बैलून बेचते थे वो बच्चे पढ़ रहे हैं। और ऐसे इस सेंटर पे लगभग 30 बच्चे पढ़ रहे हैं जो पहले भीख मांगते थे, लेकिन जब से वो पढ़ने आने लगे हैं वो भीख मांगना छोड़ दिए हैं। इसी प्रकार से बहुत सारे बच्चे जो बैलून बेचते थे वो बैलून बेचना छोड़ दिए हैं।